नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। फोर लेन पर लूटपाट करते अवैध हथियार के साथ दो अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूटपाट करने पहुंचे दो कुख्यात अपराधी को दो देसी कट्टर दो जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भागलपुर धोगा थाना क्षेत्र में फोर लेन निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने और लूटपाट करने के ऋषि कुमार और अमरजीत कुमार पहुंचे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। उसके बाद कहलगांव एसडीपीओ शिवानंद सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषि कुमार 3 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था, वहीं अमरजीत कुमार का भी आपराधिक इतिहास रहा है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 29/12/23 रात्रि 8:30 बजे गोगा थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां जहां फोर लेन का काम चल रहा है वहां पे कुछ अज्ञात लोग इसके हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को कारित कर रहे हैं। तो सूचना प्राप्त होते ही तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई गई और जिसका नेतृत्व डीएसपी कहलगांव शिवरंजी कर रहे थे, और इस टीम में थानाध्यक्ष घोगा श्याम प्रसाद ओझा अजय कुमार मिश्रा घोगा थाना से ये सभी वहां पे छापेमारी करने गए, और छापेमारी के बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से दो देसी कट्टा और दो कारतूस और 2800 रुपये भी बरामद किए गए। इनकी छापेमारी के क्रम में ये लोग मक्के के खेत में भागे, इनको खदेड़ के पकड़ा गया। स्वयं डीएसपी साहब भी इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, और जो दो लोग पकड़े गए हैं वो एक ऋषि कुमार है और एक अमरजीत कुमार है। ऋषि कुमार जो है 3 महीने पहले ही जेल से बाहर निकला है, और अमरजीत कुमार जो है वो लूट के इसके ऊपर कांड सबौर थाना में था और ये फरार चल रहा था उसमें। 5 मई के माह में इसने लूट का कांड किया था, उसमें फरार चल रहा था ये तो। और ऋषि कुमार के ऊपर भी पहले से 2 केस, एक हत्या और एक आर्म्स एक्ट का केस अभी तक हम लोग पता चला है, और बाकी चीजें जो आपराधिक इतिहास इनका है वो पता किया जा रहा है। तो एक अच्छी सफलता है, और जैसे ही घटना की सूचना मिली तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की और एक दो घंटे में ही उनको पकड़ लिया गया। तो एक प्रिवेंटिव अच्छा स्टेप था पुलिस की तरफ से और भागलपुर पुलिस की तरफ से।